तेरे प्यारे देशवासियों महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था दीप्तम यानी गर्व के साथ आकाश को छूना ये भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य भी है मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ऐसा ही एक जीवन था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया उस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए वरुण जब अस्पताल में थे उस समय मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे हृदय को छू गया इस साल अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की वो चाहते थे कि जिस कुल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया बल्कि अपनी असफलताओं की बात की कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बदला इसकी बात की इस पत्र में एक जगह उन्होंने लिखा है इट इज ओके टू बी मीडियोकर नॉट एवरी वन विल एक्सेल एट स्कूल एंड नॉट एवरी वन विल बी एबल टू स्कोर इन द नाइंटीज इफ यू डू It is an amazing achievement and must be applauded. However, if you don't, don't think that you are meant to be mediocre. You may be mediocre in school, but it is by no means a measure of things to come in life. Find your calling. It could be art, music, graphic design, literature, etc. वॉट एवर यू वर्क टवर्स बी डेडिकेटेड डू योर बेस्ट नेवर गो टू बेड थिंकिंग आई हैव पुट इन मॉर एफर्ट साथियों औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है इसी पत्र में वरुण सिंह ने लिखा है नेवर लूज होप नेवर थिंक that you cannot be good at what you want to be it will not come easy it will take sacrifice of time and comfort i was mediocre and today i have reached difficult milestone in my career do not think that 12th board marks decide what you are capable of achieving in life believe in yourself and work towards it वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है